राज्य सरकार पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन वन विभाग चौकी ततारपुर के अधिकारी व कर्मचारी लकड़ी माफियाओं से साठगांठ कर हरे पेड़ों की कटाई कराने से बाज नहीं आ रहे। स्थानीय सरपंच व ग्रामवासियों ने कई बार शिकायत करने के बाद भी उच्च अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वन विभाग अनजान है और ग्रामीण का आरोप है कि लकड़ी माफिया व विभागीय लोग मिलजुल कर हरे पेड़ों की कटाई के लिए खेल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो क्षेत्र पेड़ों से खाली हो जाएगा। पर्यावरण के संतुलित रखने के लिए पेड़ पौधों का होना आवश्यक है। उसके लिए सरकार द्वारा बड़े बड़े स्लोगन लिखवाए जाते हैं, प्रचार प्रसार किया जाता है, पौधे लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पर सच यह है कि पेड़ तो कम लगते हैं, अलबत्ता उनकी कटाई जोरों पर हो जाती है। हरे पेड़ों की कटाई से अवैध कमाई तो लकड़ी माफियाओं के साथ साथ विभाग को भी होती है। सूत्र बताते हैं कि वन विभाग के अधिकारी वन कर्मचारी लकड़ी माफियाओं से प्रति पेड़ मोटी रकम वसूलते हैं। जिस तरह से क्षेत्र में हरे पेड़ों की कटाई हो रही है, इसके भयावह परिणाम से आम आदमी की जिंदगी को भी भारी खतरा है।